हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं काफ़ी दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं बनाऊँ। आज मेरे यहाँ कन्याओं को खाना खाना है, तो आज मैं बना रही हूँ पूरी और चने की सोयाबीन की सब्ज़ी। तो ये देखिए, मैंने चना और सोयाबीन, चना को मैंने एक रात सोक कर लिया था और अब चने और सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ। और इसमें मैं मसाले भून रही हूँ। हमारे मसाले भी भून गए हैं, तो बिना लहसुन प्याज का मैं बना रही हूँ। तो बिना लहसुन प्याज का मैं बना रही हूँ। तो अब आप बताइएगा कि वैसे तो मैं बॉयल नहीं करती हूँ, मेरा मैं ऐसे फ्राई करके बनाती हूँ चने सोयाबीन की सब्ज़ी, तो ये बहुत टेस्टी होती है। तो प्लीज़ आप लोग भी बना के देखिएगा कैसी लगती है। और हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं काफ़ी दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं बनाऊँ। आज मेरे यहाँ कन्याओं को खाना खाना है, तो आज मैं बना रही हूँ पूरी और चने की सोयाबीन की सब्ज़ी। तो ये देखिए, मैंने चना और सोयाबीन, चना को मैंने एक रात सोक कर लिया था और अब चने और सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ। और इसमें मैं मसाले भून रही हूँ। हमारे मसाले भी भून गए हैं, तो बिना लहसुन प्याज का मैं बना रही हूँ। लहसुन प्याज की मैं बना रही हूँ। तो अब आप बताइएगा कि वैसे तो मैं बॉयल नहीं करती हूँ, मेरा मैं ऐसे फ्राई करके बनाती हूँ चने सोयाबीन की सब्ज़ी, तो ये बहुत टेस्टी होती है। तो प्लीज़ आप लोग भी बना के देखिएगा कैसी लगती है। और हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है, चने और सोयाबीन की सब्ज़ी। ये रही धनिया और ये है हलवा। ये देखिए हलवा। तो आप सबका भी स्वागत है, आइए हमारे घर खाना खा लीजिए आज। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए दोस्तों। बाय बाय, जय माता दी।